हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्लोज टू हिमालयाज। आज 25th ऑफ दिसंबर है, सो मैरी क्रिसमस टू एवरीवन। मैं अभी इंडिया से बाहर हूँ और आपको पता है यहाँ क्रिसमस तो सेलिब्रेट होता ही है, तो अपने देश के साथ साथ जो बाहर के देशों के त्यौहार होते हैं हमें वो भी मनाने चाहिए। तो अभी दिन के 2 बज चुके हैं और अब हम सोच रहे थे कि हम क्या करें क्रिसमस में। हम निकले बाहर की तरफ और ये देख रहे हैं कि अब यहाँ पर कैसा क्रिसमस सेलिब्रेशन होता है, क्या होता है बाहर, कुछ मार्केट्स होती हैं या क्या होती हैं, कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं कि यहाँ पर कैसा होता है। तो देखते हैं आज हमें क्या दिखता है और मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी कि यहाँ पर कैसा क्रिसमस होता है। और आप लोग देख सकते हैं मैंने ये मास्क पहना है जो मुझे मेरी कंपनी से मिला था, तो आज मैंने इसका उद्घाटन कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्रिसमस सेलिब्रेशन इन ब्रतिस्लावा, यहाँ बाहर लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। वैसे तो मैं जब से अभी निकली हूँ और मैं ये देख रही हूँ गाड़ियाँ इतनी कम चल रही हैं और दिन के कंपैरिजन में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो तो है रेगुलर, बट लोग बहुत कम दिख रहे हैं बाहर। तो आई डोंट नो यहाँ कोई मार्केट खुली भी है या नहीं है, तो देखते हैं। वैसे तो पब्लिक हॉलीडे में यहाँ पे हमेशा से ही हर चीज़ बंद रहती है, चाहे कोई भी ग्रॉसरी शॉप हो या कोई भी शॉप्स हो, हर सब कुछ बंद रहता है। तो देखते हैं आज क्या क्या खुला है, हम क्या देख सकते हैं, क्या कुछ स्पेशल होता है क्रिसमस के लिए या फिर सब अपने घर में अपनी फैमिली के साथ बैठ के ही सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। इतना स्ट्रीट में हूँ और ये पूरी की पूरी स्ट्रीट बंद है, कोई भी एक सिंगल शॉप यहाँ पर खुली नहीं है। ये जबकि बहुत हैपनिंग स्ट्रीट मानी जाती है ब्रतिस्लावा की, पर यहाँ पर एक भी शॉप ओपन नहीं है आज। तो मैं पहले चर्च में पहुंच चुकी हूँ और जाती हूँ, चेक करती हूँ अंदर शूट करना अलाउड है या नहीं है, वरना मैं प्रेयर करके वापस आ जाऊंगी और फिर आप लोग को बताऊंगी अंदर का एक्सपीरियंस कैसा है। अंदर गई और मैं थोड़ा शूट कर पाई। वैसे तो चर्च अंदर से पूरा बंद था, बट अब वहाँ पे थोड़ा स्पेस था जहाँ से कि आप लोग अंदर पूरा देख सकते हो। आपको कैसा लगा आप शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और मेरे को हैबिट थी बचपन से, लाइक मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ी हूँ तो मैं हमेशा क्रिसमस में चर्च जाती हूँ, इंडिया में भी जाती थी जब भी टाइम मिलता था। तो यहाँ अगर भी मैं चर्च गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब मैं यहाँ के एक दूसरे चर्च में जा रही हूँ जो कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चर्च है यहाँ का, और वो बहुत फेमस भी है यहाँ पे ब्रतिस्लावा में। और आप भी देखोगे तो आपको भी लगेगा कि ये सच में बहुत प्यारा, वो बहुत ही प्यारा सा चर्च है। मैं ज़्यादातर उसी चर्च में जाती हूँ, बट मैं आज यहाँ से गुजर रही थी तो मेरे को लगा कि मुझे यहाँ पे एंटर करना चाहिए और देखना चाहिए यहाँ पर कैसा है। तो मैं गई, तो मैं इस चर्च में फर्स्ट टाइम गई थी, बट जो दूसरे चर्च में जा रही हूँ मैं वहाँ पहले भी बहुत बार जा चुकी हूँ,
तो आपको दिखाती हूँ, वो बहुत सुंदर है और आपको भी बहुत पसंद आएगा आई एम श्योर। तो गाइज ये था वो ट्रैम स्टेशन जो कल मैंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में शेयर किया था और मैंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में भी डाला था। अगर आपने नहीं देखा था उसमें आगे जरूर देखिए। ये ट्रैम स्टेशन है जो कि क्रिसमस के लिए डेकोरेट किया गया है। यूजुअली ये हमेशा इस तरह का दिखता है अगर आप देखो तो, बट सिर्फ क्रिसमस के लिए इसे डेकोरेट किया गया था और कितना ब्यूटीफुल इसे डेकोरेट किया है आप देख सकते हैं। देर से कुछ खाने के लिए देख रही थी कि कोई शॉप खुली हो या कुछ तो खुला हो एटलीस्ट मुझे मिले, और फाइनली मुझे एक मैकडॉनल्ड खुला हुआ मिल गया है जो मेरे पीछे है। तो मैं जल्दी से कुछ खा के आती हूँ और फिर ले जाते हैं आपको दूसरे चर्च में। बाय द वे गाइस, मैं आपको एक चीज़ तो बतानी भूल गई, मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं बट मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने आप को भी कुछ गिफ्ट करूं, तो मैं खुद सेंटा बनी एंड आई गिफ्टेड माई सेल्फ एन एप्पल वॉच। ओके गाइस, तो मैं पहुंच चुकी हूं अब दूसरे चर्च में जिसका नाम है, आई बताती हूँ आपको बाद में, वो आप खुद ही गेस कर लोगे इस चर्च का नाम क्या है। बट ये ब्रतिस्लावा का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चर्च है। मैं अक्सर सबसे ज़्यादा इसी चर्च में आती हूँ, बट अभी आप जैसे मेरे पीछे ये देख सकते हैं यहाँ पे इसका दरवाज़ा बंद है, तो अभी अनफॉर्चुनेटली ये बंद है, तो मैं इसे आपको अभी अंदर से तो नहीं दिखा सकती बट आप इसका बाहर से व्यू देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत है। इंडिया में जैसे जोधपुर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वहाँ जिस तरीके से उसे पूरा ब्लू सिटी बोलते हैं, तो उसी तरीके से इस चर्च का नाम ब्लू चर्च है। और वो क्यों है वो अभी आप इसकी क्लिप्स देख के, इसकी वीडियोज़ देख के आप पहचान जाएंगे। यहाँ पर आपने जैसे कि देखा ऑलमोस्ट हर चीज़ बंद है, मोस्टली बाहर पे आप कुछ नहीं कर सकते, सारी शॉप्स सारी रेस्टोरेंट सब कुछ बंद हैं, लाइक इक्के दुक्के थे जो आपको खुले दिखेंगे वरना बाकी सब बंद दिखेंगे। जैसे यहाँ जो मैंने नोटिस किया है, लाइक मैं यहाँ पे 1.5 साल से अब रह रही हूँ, पब्लिक हॉलीडे में यहाँ पर सब कुछ बंद रहता है तो इतना कुछ इन्जॉय करने को नहीं होता है बाहर। सो मेरा यही सजेशन रहेगा कि अगर कभी आप लोग फ्यूचर में कहीं बाहर यूरोप में या किसी कंट्रीज़ में घूमने का प्लान कर रहे हैं और क्रिसमस टाइम पे प्लान कर रहे हैं, तो आई थिंक क्रिसमस के टाइम पे तो नहीं बनाना चाहिए बिकॉज यहाँ कुछ खुला नहीं मिलेगा आपको, सब कुछ बंद होगा क्योंकि हर कोई पूरे ये वीक सबको लोग अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं। सो आप उसके अलावा अगर आएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे, बट क्रिसमस वीक पे मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप लोग कहीं पर घूमने का प्लान बनाएं किसी यहाँ पे किसी भी यूरोपियन सिटीज़ में, बिकॉज सब लोग ही अपनी फैमिलीज के साथ इंजॉय करते हैं, उनका फैमिली डिनर होता है, फैमिली लंच होता है और सब लोग अपने घरों में ही सेलिब्रेट करना प्रेफर करते हैं यहाँ पे कोई भी फेस्टिवल हो तो। उसके अलावा आपको लोग यहाँ हमेशा बाहर दिखेंगे, यहाँ के स्ट्रीट्स हमेशा फुल दिखेंगी। सो यही था आज, चर्च में भी इवन बहुत कम लोग थे, चर्च बंद थे, आई थिंक सिर्फ मॉर्निंग में ही प्रेयर्स हो जाती हैं, तो सब लोग अपने घर में ही क्रिसमस ट्री डेकोरेट करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ कुछ घरों में देख रही थी हर घर में मुझे क्रिसमस ट्री दिख रहा था, डेकोरेशंस दिख रही थी, लाइटिंग्स दिख रही थी। सो हाँ, ये लोग फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं क्रिसमस, अपने अपने घरों में ही सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं। यहाँ पे जो आज क्रिसमस के दिन सारे चर्च वगैरह बंद हैं तो इसका रीज़न कोविड है, बिकॉज यहाँ गैदरिंग आप कर नहीं सकते हो, तो इसलिए गवर्नमेंट ने सारे मेजर्स लिए हुए हैं और सारे चर्च बंद रखे हैं। आप लोग चर्च में सिर्फ बाहर से या फिर दूर से ही रह के प्रे कर सकते हैं, अंदर आप चर्च के अंदर जा नहीं सकते। अगर आपने पहला वाला वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे भी बैरियर लगाया था, आप अंदर नहीं जा सकते चर्च के, सिर्फ बाहर से प्रे करके आप जा सकते हैं। सो
और ये बेल बजी चर्च की। तो गाइज़ इसी के साथ मैं भी अपनी वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ इस ब्यूटीफुल से ब्लू चर्च के साथ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो कि ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। ऑल्सो डू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम टू चेक द डेली अपडेट्स।